अपने स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में सशस्त्र सीमा बल ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सफाई अभियान की शुरुआत की। मॉनसून आने के साथ इस इलाके में दिमागी बुखार, टाइफाइड, डायरिया जैसी बीमारी के मामले सामने आने लगते हैं। बाढ़ और निचले इलाके में पानी जमने के कारण मच्छरों से होने वाली ये बीमारियां गंदगी के कारण होती हैं। इसी उद्देश्य से इस सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। इस गांव में जो कि काफी गंदगी फैली हुई है, नालियां पूरी ब्लॉक हैं, उनकी एक बड़े 9 हिस्सों में इस गांव को बांट के और प्लाटून वाइज और कंपनी वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करके नालियों की और सारी गंदगी की सफाई की जा रही है। इस इलाके में सुव्यवस्थित नाली न होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे कि आसपास के आवासीय इलाके में बीमारी फैलने का खतरा रहता है। स्थानीय लोगों ने सशस्त्र सीमा बल के इस प्रयास की सराहना की। जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे वहाँ इन्फ्लाइटिस फैली हुई है पूरी तरीके से, आसपास में भी फैली हुई है और ये सफाई से कुछ बचाव हो सकता है और ये काम हम लोगों को खुद करना चाहिए, लेकिन ये SSB आके कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सफाई अभियान के अलावा लोगों में पर्चा बांटकर बीमारियों के बारे में बताने के काम के अलावा मेडिकल कैंप भी लगाए गए। कैंप में लोगों को इन बीमारियों से निपटने के लिए उचित दवाएं दी गई और इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच भी कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।